लोग के जो आज निकल कर आएंगे बड़े जोरों के साथ। आज आगाज करने से पहले सबसे पहले मैं स्टेज के ऊपर दावत देना चाहूंगा सोमनी पॉल हु इज वीपी ऑफ हंगामा टू प्लीज जॉइन मी। आपकी इन तालियों के बीच में अगर हो जाए तो मजा आ जाए। देयर इज सोमनी विद अस। थैंक यू सो मच अनमोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड टू स्टेप इन for two of my seniors, Neeraj and Siddharth, who couldn't be here. Sudeep ji, this is, first of all, congratulations. Pankaj ji, thank you to be, you know, for seeing you here. Manoj ji, Ashish ji, Vishal ji, and Gajraj ji was here. I think he has left, right? Okay. But I think it's an amazing, amazing opportunity for us to even talk about how Hangama and Ghazals have been associated over the years. We really believe in the genre and we do a lot around it. But I think tonight is a very special, you know, event because Sudeep ji is not only launching his new album, but it's in the presence of so many people as well as in collaboration with Amrita ji and with Vishal ji. So I'm very excited to be here. And I wish all of you all the best. Thank you so much. Also, I would like to add that the album will be available across all Hangama platforms and of course our distribution partners as well. So all the best. Thank you so much. Amazing partners in crime and that's what we always want. Thank you. Okay, एक बार गालिब से उनके दोस्त ने कहा कि सुना है कि जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो गालिब ने कहा जिनको शराब मिल जाती है उन्हें दुआ की जरूरत नहीं होती। आज लेकिन बहुत सारी दुआएं समेट के हमारे साथ में जो है सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा द मैन हु हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल एल्बम सुदीप बैनर्जी टू प्लीज जॉइन मी ऑन द स्टेज। साथ ही साथ सुदीप का बहुत ही खूबसूरत साथ दिया है यार ये लीक कर रहा है आपका। सुदीप का बहुत ही साथ दिया है अमृता ने एंड डू वी हैव अमृता हियर। Hey, yes, Amrita Chatterjee. और अपनी बहुत ही प्यारी आवाज के साथ we will see him reciting Ghalib in this album. The one and only Vishal Bhardwaj ji, please join us on the stage, please. एक छोटी सी गुफ्तगू के लिए हम लोग सब स्टेज पे बैठते हैं and we have kept it very casual. Wherever we feel like sitting, we can all be seated. Can I have one more chair? I'll just pull it. Can I take this chair, sir? Series, television के ऊपर कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है एज अ म्यूजिक कंपोजर। एक तो गालिब की शायरी है और ऊपर से इतनी ऐसी शायरियां हैं जो ऑलरेडी कंपोज हो चुकी हैं लैंडमार्क हैं उनसे बच के भी निकलना है अपनी पहचान भी बनानी है। बिल्कुल देखिए ये बहुत मुश्किल और आसान सवाल है लेकिन इसके पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो यहाँ आए और इस एल्बम के लॉन्च फंक्शन में मेरे साथ बैठे हैं आज। पंकज जी थैंक यू सो मच, मनोज भाई, आशीष जी, गजराज भाई और आलोक श्रीवास्तव दिल्ली से आए हैं स्पेशली आज और मेरे जितने भी दोस्त तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, सलमान भाई थैंक यू फॉर कमिंग। और तो बात गालिब की हो रही है कि गालिब मेरे हिसाब से गालिब ने शायद आखिरी गज़ल लिखी या पढ़ी होगी करीब 225 साल पहले लेकिन आई थिंक गालिब जितना कंटेम्प्रेरी पोएट आज तक मैंने कभी नहीं सुना जी। ही इज वॉट एवर ही रोट देन वो आज भी रेलिवेंट है। एक एक शेर एक एक गज़ल आज के माहौल पे लिखी हुई है और आप गालिब को जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार गाएंगे जितनी बार कंपोज करेंगे एक नया रंग निकलता है एक नया रुख नज़र आता है उस पर जी। तो मेरी वही कोशिश थी कि बहुत साल हो गए थे करीब
20-25 साल हो गए थे गालिब का एल्बम शायद नहीं आया था, तो मेरी ये कोशिश थी कि कुछ गज़लें जो कुछ एक गज़लें तो मुझे कॉमन थी वो करनी ही थी, जैसे दिले नादा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो बहुत कम लोगों ने गाई है, वो मैंने कोशिश की है कंपोज करने की। अरे वाह क्या बात है, क्योंकि चचा गालिब की बात हो रही है तो एक जहन में जो एक थॉट गूंज ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत ख्वाहिश थी, बहुत अरमान थी कि एक दिन विशाल भारद्वाज जी के साथ में स्टेज शेयर करें, और आज वो अरमान जो है वो बिल्कुल फूट फूट के निकल रहे हैं। सर सर वेलकम, थैंक यू। योर फर्स्ट थॉट्स ऑन द एल्बम, और इस पूरी एल्बम में बी रिसाइटिंग गालिब, और मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनके हर शेर को अगर आप अलग अलग अंदाजों में पढ़ें तो उनके मतलब भी बदलते हैं, अलग मतलब निकल के आता है। सो योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक पढ़ने से तो मतलब नहीं निकलता अलग, वो समझने में, क्योंकि उनके जब भी आप शेर पढ़ें उसके हर बार आपको उसमें कुछ एक नया एक पहलू दिखाई देता है। जी जी जी। और ये एल्बम एक्चुअली सुदीप और मैं, आशीष, मनोज, हम सब लोग जो बहुत पुराने से दोस्त हैं, और हम लोग कॉलेज टाइम में, संजय भी बैठे हुए हैं वहाँ हमारे साथ तबला बजाते थे, तो हम लोग कॉलेज के साथ में गा बजा रहे हैं। अच्छा। और सुदीप का जो टैलेंट जो कॉलेज में जो था, सुदीप की जो हार्मनी का जो सेंस था, वो सब हम सब लोग उसके कायल थे, उसके कॉम्पोजिशंस के कायल थे। तो ये करीब 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, और 30 साल में मैंने सुदीप की ग्रोथ होते हुए देखी है। सुदीप ने जिस तरीके से अपना मुकाम बनाया है यहाँ पे और गज़ल में, वो एकदम बहुत ही बड़ी बात है। और पहली बार हम लोग ऐसे प्रोफेशनली साथ काम कर रहे हैं। ओह जी हाँ, वाह। और अब उम्मीद है कि सुदीप आगे भी मुझे चांस देगा काम करने का। अभी अभी सिर्फ बुलवाया है, शायद गवाएगा भी। सुदीप भाई एक बार बताइए, जब कॉलेज में यार बैठते हैं, किसी ने प्रोफेशनली कुछ अचीव नहीं किया होता लेकिन बहुत से अरमान होते हैं कि हम ये करेंगे ऐसा, कॉलेज के दिनों में बड़े वायदे भी होते हैं, देख मेरी जान अगर एक दिन मैं बन गया डायरेक्टर तो एक्टिंग तो तेरी पक्की है टाइप, तो उस दिन के कुछ माहौल के दोस्त बैठे हुए हैं, ऐसा कोई वादा तब का किया हुआ याद आ रहा है? देखिए होता ये था कि विशाल मेरठ में रहते थे, तो उनका हॉस्टल में कमरा था। ओहो। तो हमारा काम होता था कि सीधा बस से उतरते थे और इसके कमरे में जाते थे, क्योंकि इसके कमरे में हारमोनियम होता था। क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो मतलब क्लासेस तो कभी अटेंड की ही नहीं, इसके साथ बैठ के। उस वक्त बशीर बद्र साहब का ज़माना था, बशीर बद्र साहब को पढ़ते थे, गाते थे, कंपोज करते थे। और बहुत 2-3 साल बाद भाई साहब बॉम्बे चले गए और उनका काम बहुत अच्छा शुरू हो गया। हमारे एक दोस्त हैं आलोक माथुर, उनके घर में एक दिन पार्टी हो रही थी और उस वक्त मेरा आंचल ढलका जा रहा है बारी बारी। सो ये डिलिबरेटली नहीं है। सो मुझे विशाल ने, विशाल को शायद याद हो नहीं याद हो, उसने मुझे यही 25-30 साल पहले की बात है कि आके सुदीप हम लोग एक दिन एक काम ज़रूर करेंगे साथ में। अच्छा। मुझे भी याद नहीं था, इसे डेफिनेटली याद नहीं होगा, और एक्चुअली 30 साल बाद आज हम लोग एक काम साथ में कर रहे हैं। वाह क्या बात है, दैट्स अ गुड वन। और वो भी मिर्ज़ा गालिब। वाह और क्या चाहिए। वैसे कॉलेज में जिसके पास हॉस्टल में कमरा होता है सर, उसकी वक़्त अरे बाप दोस्तों में बड़ी अलग होती है। बहुत ज़बरदस्त। अमृता मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फीमेल सिंगर, जब आप गालिब की शायरी को, वो इमोशंस को अपनी आवाज़ में कहती हैं, तो आपके जहन में क्या चैलेंजेस चल रहे होते हैं व्हेन यू आर सिंगिंग? क्या बताऊँ, पोइट्री मेल फीमेल दोनों के लिए होती है पोइट्री, लेकिन सेम पोइट्री जब कोई मेल गाता है तो उसका अलग रंग, जब उसी पोइट्री को कोई फीमेल गाती है जी तो उसके अलग रंग आप सुन सकते हो इसी एल्बम में। मैं और सुदीप दास सेम कपलेट उसमें गाए हैं। ओके। तो अलग अलग रंग सुनने को मिलेंगे आपको। सुपर। ठीक है, तो आई थिंक हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और जिस रंग की तलाश में हम सबके सब यहाँ पे आए हैं सुदीप जी, उसको सबके सामने लेकर आया जाए। और साथ ही साथ आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट
There's so many eminent personalities and your close friends to come up on the stage with us. Ashish ji, Manoj ji, Pankaj Udas ji, Mitali ji has joined us. Please, Mitali ji. Gajraj ji, please, sir. ओके तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही खूबसूरत महफिल कुछ कॉलेज के यार एक साथ वापस एंड वी हैव पंकज जी आल्सो हियर. पंकज जी, योर फर्स्ट थॉट्स ऑन गालिबन प्लीज. It's indeed a pleasure to be here this afternoon. Vishal ji ne aur Sudeep ne aur sab ne Mirza Ghalib ke bare mein jo kehna tha sab kuch keh diya. Aur Mirza Ghalib ke bare mein kya kahein? Kehne ke liye kuch nahi hai kyunki main hamesha yahi misal deta hoon ke jab पेड़ से फल गिरा और आइजैक न्यूटन ने देखा और उसने सोचा कि वो फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया. एंड ही एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ ग्रेविटी. मिर्ज़ा गालिब वही थे. ही वॉज अ जीनियस. वही शायर था कि जिसने शायरी की नींव डाली, जिसने पूरी दुनिया को ये हुनर क्या है उसके बारे में एक मिसाल कायम की. और इट गोज़ विदाउट एनी टू से विदाउट एनी डाउट्स कि मिर्ज़ा गालिब कभी पुराने नहीं होते, हमेशा ताज़ा रहते हैं. जब भी उनको गाओ, जब भी उनको पढ़ो, जब भी उनका कलाम सुनो, ऐसा लगता है कि कल ही लिखी गई बात है. तो मेरे ख़्याल से ही आई वुड सम अप बाई सेइंग that he was certainly a genius. और उस genius को इससे बेहतर tribute हो नहीं सकती कि सुदीप ने इतना खूबसूरत काम किया है. सुदीप has worked very hard on this because I've been a witness to it. दो साल उसने बड़ी मेहनत की है साथ में विशाल जी और अमृता. सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और यही दुआएँ कि आने वाले सालों में मौसीकी की दुनिया में ये album मिसाल कायम करे, यही मेरी दुआ है.
थैंक यू सो मच सर. थोड़ी देर में वील हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया ऑल्सो. वी हैव अ वेरी स्पेशल लाइव परफॉर्मेंस ऑल्सो विच इज वेटिंग फॉर अस. एल्बम का भी एक गाना मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा. बट जैसे कि हम कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे और कैंपस की बातें हो रही थी, अनदर मैन फ्रॉम द सेम कैंपस स्टैंडिंग हियर विद अस, मिस्टर मनोज बाजपेयी. सर माइक इज ऑल योर्स. जी मैं उस कैंपस में नहीं था, मैं बाहर वाला था. मैं रामजोश ने बताया ये, और वहाँ पे मेहमान कलाकार के तौर पे बुलाया जाता था. मैं वहीं पे दोस्ती हुई थी सुदीप से और विशाल से और आशीष से, जो आज तक कायम है. सुदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत दिन से मैं भी जानता हूँ कि बहुत दिन से इस एल्बम पे काम कर रहे हैं. और इस एल्बम पे काम करते करते एक बार आशीष के घर पे मिलना हुआ था, पार्टी हम लोग की चल रही थी. तो सुदीप और पंकज जी ने दो वाइन के बाद मुझे झेला हुआ है कि मैं इन लोगों के हारमोनियम ले लेता था. तो इस बेसुरे मनोज बाजपेयी की तरफ से बहुत ही सुरीले सुदीप बनर्जी को बहुत सारी शुभकामनाएं. आशा करते हैं कि ये एल्बम जो है, जैसा कि पंकज जी ने कहा, एक नया आयाम आपके लिए साबित हो, सुनने वालों के लिए. गालिब के गज़लों को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुतों ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन आशा करते हैं कि जब आपकी बनाई हुई धुन पे उसको सुनेंगे तो कुछ और निखर के सामने आएगा. बहुत सारी बधाइयाँ. थैंक यू मनोज भाई. और जिनकी पार्टी में हारमोनियम छीना गया था, अब ज़रा उनकी ओर बढ़ा जाए. आशीष जी बहुत बहुत मुबारक. सुदीप, विशाल, अमृता, तो आज का जो माहौल है, एक एल्बम तो लॉन्च हो ही रहा है, लेकिन दिली खुशी है कि दोस्त का एक एल्बम लॉन्च हो रहा है. क्या बात है. तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा सेलिब्रेशन, दोस्ती के सेलिब्रेशन में जीता हूँ, और गजब के दोस्तों के बीच में रहना बहुत पसंद करता हूँ. वाह, इट्स अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी सुदीप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने मशक्कत के साथ इसने काम किया, मशक्कत के साथ कोशिश करता रहा है कि अपनी एक पहचान बनाए. और बहुत ही स्वाभिमान के साथ इसने अपनी इस ज़िंदगी को जिया है, अपने करियर को बनाया है. रियली वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड अमृता, कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू सी दिस अवतार ऑफ यू. विशाल, यू आर नोन टू शो अदर्स अवतार, वेरी हैप्पी टू सी दिस अवतार, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे एट द लॉन्च ऑफ दिस लेबर ऑफ लव. थैंक यू सो मच. एंड हाल फिलहाल में, क्योंकि आपको हम बधाई हो कहना चाहते हैं, आई थिंक हम बेहतर होगा कि गजराज जी कहें. बधाई हो सुदीप. और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इतने गुणी जनों के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ मैं. और जैसा पंकज जी ने कहा कि मतलब कुछ ख्याल मेरे भी वैसे ही थे जो पंकज जी ने बोल दिए, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो ऐसा लगता ही नहीं है कि 200 साल पुराने हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो आसपास के ही लगते हैं. तो मुझे लगता है कि उनकी लिखाई में वो गज़ब की बात है कि वो बासी कभी नहीं होते हैं, जो जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक. तो उससे ज़्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं है. और आपको बधाई हो. थैंक यू सो मच. मैं विशाल जी की ओर आऊँगा, बिकॉज विशाल जी ने शायरी पढ़ी है इस एल्बम के अंदर. मैं चाहूँगा कि लाइव भी अगर हम आपसे कुछ सुने. आई कम बैक टू यू, बट बिफोर दैट आई वांट टू गो टू द ब्यूटीफुल लेडी ऑन द स्टेज विद द ब्यूटीफुल वॉइस. मिताली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. जॉइन योर हैंड्स. शुक्रिया. और सबसे पहले तो भूपी जी ने बहुत ढेर अभिनंदन शुभकामनाएं भेजा है, आ नहीं पाए भूपी जी. और मैं जिन के बारे में बात करूँगी, सुदीप जी, विशाल जी, अमृता, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये तीनों कमाल के लोग हैं अपने अपने फील्ड में. अमृता हमारे ख़जाना में गा के बहुत चौंका दिया था, इतना अच्छा गाया. और सुदीप जी एज ए सिंगर, एंड आई अप्रिशिएट हिम एज ए कंपोज़र. अभी मैं देख रही थी कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ, ये मोहब्बत की बात है जो 200 साल पहले गालिब ने कहा था. मुझे लगता है आजकल के बच्चे भी परेशान हैं कि ये मोहब्बत क्या है.
सो सवाल 200 साल पहले हो या आज की हो, मोहब्बत अभी भी एक सवाल बन के रह गया। जो मुझे अच्छा लगा कि सुदीप जी ने बहुत आर्टिस्ट ने गाया इसको, हम भी गाते थे, लेकिन इस तरह से पोइट्री के साथ। मैं विशाल जी का एक पोइट्री मैंने सुना था जो गुलजार साहब के लिए लिखा था इन्होंने, विद्या बालन जी ने रिसाइट किया था, तो मुझे चौंका दिया था कि विशाल जी इतना अच्छा म्यूज़िक देते हैं। भूपी जी के कॉम्पोजिशन उन्होंने मेरे ख्याल से सत्या में ही था, बादलों से अब भी है यहाँ पर, कमाल का कॉम्पोजिशन है, एज ए कंपोज़र और डायरेक्टर तो पता ही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये तीनों लोग बहुत जानकार जो कलाकार हैं आज रिलीज़ कर रहे हैं, और आज के दौर में गालिब को फिर से दोहराना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आई थैंक सुदीप जी, विशाल जी एंड अमृता, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड आशीष जी, एज आई वाज सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, विशाल जी अब जो रिसाइट तो स्टूडियो में हुआ था, पर मुझे जो इसमें बहुत ही एक मेरी एक फेवरेट गजल और जो शेर जी जो मुझे बहुत पसंद है, और उसका मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत वक्त बाद समझ में आया। अच्छा। मुझे इब्न का मतलब नहीं मालूम था बहुत वक्त तक, इब्न का, हाँ, कि अच्छा। इब्न मरियम, कि मरियम का बेटा, इब्न माने बेटा जी, तो वो ये शेर का मतलब मुझे इतने वक्त बाद समझ में आया, और अभी भी आप उसका देखिए उसका अंदाज क्या है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यीशु के लिए बोला है, जीसस के लिए, कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या होंगे आप अपने घर में जीसस, मेरे दुख की दवा, दुख दवा क्या है, कि मुझे इतने वक्त बाद ये शेर समझ में आया। तो बाकी आई थिंक वी शुड हियर इट फ्रॉम सुदीप। यस। और सुदीप के कॉम्पोजिशन में जो यू नो इसमें जो नई बात है जी वो ये कि बहुत सब लोगों ने, सर सब उस्ताद लोगों ने गालिब को गाया है, पर जिस तरीके से सुदीप ने एक एक बिल्कुल उसकी एक छाप है इसके ऊपर जो सिर्फ सुदीप से ही आती है और किसी से नहीं आती, तो जो ओरिजिनलिटी उसके कॉम्पोजिशंस की है वो बहुत खूबसूरत है। वाह। तो लेट्स हियर हिम, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले तो वी हैव द वीडियो ऑफ द एल्बम, पहले हम वो देखते हैं। अमृता जी प्लीज, विशाल जी प्लीज, we have some questions from the media. Pehle. Can we have some questions, please? Koi jo sawal karna chahe? Where? विशाल सर जी, सर आपके लिए मेरा सवाल है, पहले की फिल्मों की अगर बात की जाए तो अक्सर हर फिल्म में गाना सुनने मिल जाता था, एक गज़ल ज़रूर होती थी, लेकिन अगर आज की फिल्मों की बात की जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि फिल्मों में गज़ल सुनाई देती है, क्या बॉलीवुड जो संगीत है वो डोमिनेट कर रहा है? आई थिंक वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अगर सब्जेक्ट है जिसकी अगर डिमांड है कि अगर उसमें गज़ल होनी चाहिए तो उस तरह की फिल्में कहाँ अभी बन भी नहीं रही हैं। गालिब का सीरियल बने हुए भी कितना ज़माना हो गया, कभी किसी ने मीर साहब के ऊपर तो कभी किसी ने कुछ किया नहीं, और तो आई थिंक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है तो कि अगर सब्जेक्ट, और बाकी मुझे याद नहीं, मुझे भी नहीं याद कि कोई फिल्म में गज़ल आई। हेलो सुदीप जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको अपने एल्बम के लिए। थैंक यू। गालिब जी की बात करें तो आपके दिल के करीब कोई उनकी एक गज़ल या कोई शायर शेयर करना चाहे, और विशाल जी भी आप। देखिए गालिब की तो आप कोई भी शेर उठाइए, इट्स अ मास्टरपीस, लेकिन जैसे विशाल भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो जो गज़ल है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये बहुत बहुत कमाल का शेर है, और ये गज़ल बहुत अच्छी है, और ये मैंने एल्बम में रखी भी है, बहुत ही नए अंदाज़ में इसको कंपोज किया गया है। तो आई थिंक कोई भी शायर, आई मीन
कोई भी शेर लीजिए, सब एक से बढ़कर एक है। विशाल जी, क्या सवाल क्या है आपका? सर, गालिब जी की कोई भी शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वो अभी सुनेंगे ना, वो सारे दिल के करीब हैं उनका कुछ ऐसा। एक्चुअली गालिब जो थे ना, वो बहुत बड़े एडिटर थे, और ये बात आलोक यहाँ पे हैं, हम बशीर बद्र साहब के साथ जब बैठते थे तो बशीर बद्र साहब ने मीर साहब के ऊपर, मीर तकी मीर के ऊपर रिसर्च की थी, और उनका कहना था कि मीर तकी मीर बहुत बड़े शायर थे, और वो उनको एक्चुअली गालिब से ऊपर माना करते थे बशीर साहब। पर उनका कहना था कि गालिब इतने बड़े एडिटर थे कि उन्होंने अपना ख़राब काम कभी सामने आने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ख़राब नहीं लिखा होगा या कम अच्छा नहीं लिखा होगा, वो उसको पढ़ के आँख के उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया। उनके कोई हज़ार अशार हैं जो कि उससे ऊपर है नहीं, और बाकी शायरों के उस दौर के या उससे पहले के शौर दौर के बहुत बहुत ही अशार बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इतनी बड़ी कमाल की बात थी कि अपने काम को जांच के और अपनी मीडियोक्रिटी को उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया एज पोएट। तो इसलिए उनका जो सिर्फ अच्छा काम ही सामने है, और ये बहुत बड़ा बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहले, क्रिएटिव लोगों का सबसे पहले पर्सपेक्टिव ख़त्म होता है अपने काम के लिए। हमें अपना किया हुआ सब अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोग अपनी मीडियोक्रिटी खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। गालिब के आप दीवान में देखिए, आपको एक शेर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप कह सकें कि ये मीडियोकर शेर है। अमृता मैम, आप अपने कोई राय शेयर करें। बस क्या कहूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, और स्पेशली थैंक यू सो मच सुदीप्ता फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम प्रिविलेज्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। एक तो गज़ल, ऊपर से मिर्ज़ा गालिब, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, और मैं इस काबिल भी नहीं कि मिर्ज़ा गालिब और उनके पोइट्री के बारे में कुछ कहूँ। बस ओवर टू, थैंक यू सो मच। ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। घर वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घर वाले भी पूछ सकते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस घर जाके होगी सर, बड़ी लंबी चलेगी वो। जिनको, जिनकी वजह से ये एल्बम मुकम्मल हो सका, उसमें मेरे दोस्त, मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं मयूक सरकार, जिन्होंने अरेंजमेंट भी किया है और गिटार पीसेस भी बजाए हैं, बेस गिटार भी इन्होंने बजाया है। ये मेरे तीनों दोस्त, करीब हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं लगातार स्टूडियोज़ में। कभी कुछ करते थे, कुछ कैंसिल करते थे, पसंद करते थे, रिजेक्ट करते थे। सारंगी पे संदीप मिश्रा साहब, और तबले पे आज हमारे एक प्रॉक्सी दोस्त आए हैं, मानस मणि भारद्वाज जी। ये उस्ताद तारिक खान के शागिर्द हैं, बहुत बड़े तबला नवाज उनके शागिर्द हैं, और एल्बम में अमित चौबे साहब ने बजाया है, और इस एल्बम को रिकॉर्ड किया है सत्या स्टूडियो में सलमान आफरीदी भाई ने। वो कहाँ है सलमान भाई? सलमान भाई, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी 2-3 चीज़ें सुनाएंगे। दिल नादा, दिल नादा, तुझे हुआ क्या है? दिल नादा, तुझे हुआ क्या है?
आखिर इस दर्द की दवा सुदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक एल्बम के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपके जहन में कब आया कि मुझे गालिब जी के ऊपर की शायरी गजल बनानी चाहिए? ये जहन में आया था करीब 25 साल पहले, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली की मेरी पैदाइश है, वहीं पे बड़ा पला बड़ा हूँ, और दिल्ली में आप गज़ल गाते हैं तो गालिब, मीर, मोमिन, ज़ौक ही गाना पड़ता है। तो वो एक ज़माना था जब गज़ल गाते थे, गालिब गाते थे, बहुत मन था एल्बम करने का, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। फिर बम्बई आ गए, फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, और फिल्मों का काम ये सब भी चलता रहा मेरा। फिर मुझे बहुत सालों बाद, करीब 3-4 साल पहले लगा कि हमें वी शुड अगेन डू समथिंग फॉर मिर्ज़ा गालिब। एक एल्बम करना मेरा हक है और मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जिस घराने को बिलोंग करता हूँ, बेगम अख्तर का घराना है, तो वहाँ सिर्फ गालिब गाया जाता है। तो वो एक सोच थी 4-5 साल पहले, फिर वो टाइम लगा धीरे धीरे करते करते, हमें 2 साल लगे एल्बम करने में। ओके विशाल जी, आपका कैसा ट्यूनिंग रहा, क्योंकि आप बहुत टाइम से जानते हैं, आपके कलीग भी रह चुके हैं कॉलेज टाइम से, तो कैसा ट्यूनिंग है आपका सुदीप जी? और आपका ट्यूनिंग अच्छी 440 की ट्यूनिंग है हमारी। तो हम लोग बहुत बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत फ्री हैं एक दूसरे के साथ। अगर कोई नई चीज़ अच्छी लगती तो एक दूसरे से कह सकते हैं। और मैं सुदीप का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ कॉलेज के टाइम से, और वो वक्त वो था जब पंकज जी और जगजीत जी रॉक स्टार हुआ करते थे, हम लोग कॉलेज में सुनने के लिए जाया करते थे। तो वो वक्त था, और आई थिंक उससे बढ़िया वक्त पिछले 40-50 सालों में आया नहीं है, जब गज़ल वापस लौट के आई थी। कि एक जब फिल्मों का म्यूज़िक बहुत ख़राब होता है, गज़ल वापस आ जाती है, तो वो दौर था। और वो अब आगे कंटिन्यू कर रहा है सुदीप ने, जो ये हिम्मत की और मेहनत की है, तो बहुत बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन। विशाल सर, आप सुदीप सर के साथ खास यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? नहीं, बहुत ऐसी बहुत सारी यादें हैं, पर आपके साथ नहीं शेयर कर सकते हम लोग। पर यह है कि हम लोग वहाँ हिंदू कॉलेज में लॉन में बाहर एक जयसिंह चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर बन अंडा और चाय मिलता था, तो हम लोग दिन भर वहाँ बैठ के गज़लों की बात करते थे, गज़ल ही गाते थे, बस शायरी ही थी उस वक्त, और कुछ नहीं। जब मैं बम्बई आया था तो मेरे पास एक ही टेलीफोन नंबर था, वो था विशाल का। राजधानी से उतर के एक ही नंबर, एक जगह ठहरने की थी, इसको फ़ोन किया। ये तब अच्छा काम कर रहा था, इसकी एक नई गाड़ी अभी आ गई थी, इसकी मेरे ख्याल से मैरून कलर की गाड़ी थी, तो गाड़ी भेजी उसने। फिर मैंने दिल्ली फ़ोन करके बोला, नहीं विशाल ने गाड़ी भेजी है मेरे लिए। तो वो शुरू की बात है। ओके मनु जी, आप क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में, आपकी थॉट?
देखिए मैं मुझे म्यूज़िक सुनना मुझे आता है, यह अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाना ही सुन नहीं पाते। और जैसा कि विशाल ने कहा कि एक समय हुआ करता था जब गज़लों का दौर था, उस समय जगजीत सिंह साहब, पंकज साहब, ये सब लोग जो है रॉकस्टार हुआ करते थे, और इन लोगों के कैसेट्स, इन लोगों के एल्बम हर घर में होता था। हमारे पास जाहिर तौर पर, हम रंगमंच के लोग थे, थिएटर के लोग थे, तो हमारा शौक़ काफ़ी था सुनने का और इसके बारे में बातचीत करने का, पढ़ने का। और सुदीप को मैं उस समय से जानता हूँ कि इनको काफ़ी शौक़ रहा है गज़लों का, और मुंबई में भी आने के बाद जो भी मुलाकातें हुई जहाँ भी, तो इन्होंने गज़ल ही ज़्यादा प्रेफर किया गाना किसी भी महफिल में। पर आज जब इन्होंने अपना एल्बम लॉन्च किया है, तो आप सबसे पहले तो खुश होते हैं कि जो आपका दोस्त है, जो जानने वाला है, जो इतने सालों का साथी है, उसकी मुराद पूरी हुई। सबसे पहले तो आपको खुशी इस बात की होती है कि उसने गज़लों का जो है, जो कि उसका शौक रहा है, जो जॉनर उसने जो है चुना था, उसमें वो सफल रहा है उसको एक मकाम तक पहुंचाने में, तो खुशी है एक दोस्त के उस मकाम तक पहुंचने की। ओके मनु जी, जैसे आपने कहा कि पहले गज़लों का दौर था, और अभी मेरे कलीग ने भी पूछा कि पहले मूवी में गज़ल बहुत होते थे, अभी कोई भी मूवी में गज़ल नहीं देखने मिलते, तो आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने आशा जी से भी बात की है, पंकज जी से भी इसके पहले हमने बात की थी एक अवार्ड फंक्शन में, उन्होंने भी कहा था कि गज़ल हमें बहुत कम देखने मिलते हैं और बहुत ही बुरा भी लगता है। नहीं, लेकिन एक विशाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फिल्में ही नहीं बन रही हैं। जब उस तरह की फिल्में बनती हैं और उस तरह के सिचुएशंस जब क्रिएट होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे गज़ल डाला जा सके, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे डालेंगे, लेकिन उस तरह की फिल्में हम नहीं बना रहे हैं अभी। फिल्मों में जिस तरह के म्यूज़िक की ज़रूरत है, उस तरह की, अब जैसे गली बॉय जैसी फिल्म है, जिसमें रैप को लेकर के, हमारे जो देसी रैप हैं उसको लेकर के एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, तो जो आजकल का जो चलन है, जिस तरह से म्यूज़िक ने अपना शेप लिया है, जिस तरह से नए नए तरीके, नए नए ग्रामर जो आ रहे हैं, उन लोगों का चलन है। लेकिन जब उस तरह की फिल्म बनेगी जहाँ पर गज़ल की के अलावा कोई और जॉनर नहीं फिट हो पाएगा, तो गज़ल वापस आएगा ही आएगा। करेक्ट, बिल्कुल। आई मीन उमराव जान बनेगी तो गज़ल अपने आप वापस आएगी, उरी में तो गज़ल नहीं okay, यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं गज़ल गाते हुए। तो बस इसी बात पर अगर हम करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि फिल्मों में अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो शायद वो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से दिस आज की जो गैदरिंग है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, और हम लोगों को अपने भी मापदंड, जिसके वजह से आपके सवाल भी उस तरह के हैं कि किसी चीज़ को गुरुत्व हम तभी दे पाते हैं अगर वो फिल्मों में वो चीज़ है, इफ़ इट इज़ पॉपुलर दैट वे। तो हम लोग सबसे पहले अपने आप से भी वो सवाल पूछें कि क्या हम सिर्फ म्यूज़िक को सुन सकते हैं जो शायद फिल्मों में नहीं सुनाया जा रहा उस दौरान। दूसरी बात यह है कि ये एक मेरी तरफ से एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है जो आउटसाइड ऑफ फिल्म्स जो लोग क्रिएट करते हैं, और ऐसा म्यूज़िक अब पता चलेगा कि लोगों को सुनना है कि नहीं, क्योंकि नाउ इट इज़ अवेलेबल टू एनीवन। और मेरे ख्याल से ये एक, जैसे बाजू ने बोला कि आज बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी कि हमारा एक दोस्त जो चाहता था कि इस तरह की वो म्यूज़िक के साथ वो जुड़े, और अपनी पूरा करियर उसने इस तरह के म्यूज़िक के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, और बहुत खुशी की बात है कि आज जहाँ से उसने शुरुआत की थी, आज अपने कॉम्पोजिशन को इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मिलकर, यू नो, जिसमें म्यूजिशंस हैं, सिंगर्स हैं, द स्पोकन आर्टिस्ट विशाल जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मयूकदा जिस तरह से, एक टैलेंटेड लोग, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ टैलेंट जिसमें सुदीप ने अपने थॉट को एक्सप्रेस किया है। सो वी आर ऑल हियर इन सेलिब्रेशन ऑफ दैट, सो वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। हमने एल्बम देखा, काफी अच्छा सॉन्ग था, तो अब क्या कहना चाहेंगे सुदीप ने? जो सबसे पहले तो मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऐसे दौर में, जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हिंदुस्तान, हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। और एक दौर में
जो बात हुई जगजीत सिंह जी की और बाकी और कलाकारों की कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक न सिर्फ गज़ल बल्कि भक्ति संगीत कव्वाली हर तरह का म्यूज़िक हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने पसंद किया, तो वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो हमारा है उसको ज़िंदा रखना या तो उसको परस्यू करना वो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं सुदीप को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि गालिब जैसे शायर को चुना और वो भी इतनी खूबसूरत गज़लें गालिब की। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ज़ाती आई वुड से ओपिनियन, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि सुदीप ने जो काम किया है वो एक मिर्ज़ा गालिब पे एक सीरियल बनी थी, उसके बाद इतना बड़ा वक्फा आ गया, इतना बड़ा ब्रेक आ गया कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। तो सुदीप ने मिर्ज़ा गालिब जो कि हर रोज़ का शायर है, हर दिन का शायर है, हर साल का शायर है, उसको फिर से आपके सामने रखा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ सुदीप, और मैं चाहूँगा कि सुदीप का ये एल्बम दुनिया के कोने कोने में पहुँचे ताकि लोगों को पता चले कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। ओके पंकज जी, हम कहा कह सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में आजकल जो गज़ल लिखने वाले हैं बहुत कम हो गए, इसलिए हमें बॉलीवुड में बहुत कम देखने मिलता है गज़ल? नो, ऐसी बात नहीं है, गज़ल के लिखने वाले तो बहुत हैं, गज़ल कंपोज करने वाले भी बहुत हैं, एक मेरे पास ही बैठ खड़े हुए हैं, और गज़ल गाने वाले भी बहुत हैं। ये जैसे कहा गया कि वक्त की जो डिमांड है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। बाकी जब जब जैसे विशाल जी ने कहा कि जब जब फिल्मों में संगीत बुरा हुआ है, फिल्मों का संगीत उसका स्तर गिरा है, तब फिर से गज़ल फिर से हमेशा आई है जी। तो गज़ल आती रहेगी, चलती रहेगी, और गज़ल जो है वो ऐसा तो है नहीं कि गज़ल तो दुनिया एक दिन में भुला देगी, गज़ल जो है वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो वो तो गज़ल इतने सालों से सदियों से चली आ रही है, तो सदियों तक चलती रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। गजराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे तो वही जो मेरा शुरू से मानना है कि गज़ल को जो सिनेमा की बैसाखी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के जो म्यूज़िक को, तो मैं गज़ल कहीं जा नहीं रही है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि गज़ल नहीं हो रही है, गज़ल आसपास है और गालिब भी आसपास ही है, तो दौर दौर की बात है, और हर दौर में कुछ एक नई चीज़ें आती हैं, नई तरीके का संगीत आता है, जैसे मनोज ने बोला कि वो गली बॉय में रैप चल रहा है, तो अभी पूरा शायद 4-6 महीने साल 2 साल का बुखार वो चढ़ेगा फिर उतरेगा, लेकिन गज़ल हमेशा वहीं रहेगी मुझे लगता है। और सुदीप को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। ओके, अमृता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो गज़ल आई है, बस मैं बहुत खुश हूँ कि सुदीप दा ने मुझे ये मौका दिया है, बस इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। वेट इज़ ओवर, एल्बम आपके सामने है, बस इनको सुनिए, खूब पसंद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।